आज के एपिसोड में हम अपने देखने वालों और सुनने वालों को ये बताएंगे कि बांझपन, बेऔलादपन, संतानहीनता, इसके क्या कारण हैं और इसको दूर करने की वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं जिसके द्वारा कोई भी बेऔलाद जोड़ा संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है। किसी भी दंपति के लिए उनका अपना बच्चा होना ही सबसे बड़ा उनके जिंदगी का उपहार है, और वो दंपति जिनके जिंदगी में ये खुशी प्राप्त नहीं होती, उनके लिए एक बेऔलादपन के अच्छे रिसर्च केंद्र में जाके इलाज कराना ही उनके लिए सबसे जरूरी बात है। बेऔलादपन की पहले मैं डेफिनेशन बता दूं भी, निसंतान होना, इनफर्टिलिटी, बेऔलादपन, इसकी डेफिनेशन ये है भी कोई भी दंपति अगर 12 महीने तक किसी भी गर्भ निरोधक के बिना संभोग करे और संतान सुख की प्राप्ति ना करे तो उसको हम बे औलादपन की कैटेगरी में ले जाते हैं। ऐसे दंपति जिनके के 1 साल तक कोशिश के बावजूद उनके संतान नहीं हुई है, तो ऐसे जोड़े के लिए एक अच्छे केंद्र की चोन करना, इस विषय पे भी बाद में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा भी कौन से केंद्र की चोन करनी चाहिए। मोटी मोटी बातें इस पे बता दें कि चोन करने वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जिस केंद्र में हम बेऔलादपन के इलाज के लिए जा रहे हैं वहाँ क्वालिफाइड टीम डॉक्टरों की है कि नहीं, नंबर वन। नंबर टू, ये देखना चाहिए कि उस केंद्र में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बेऔलादपन को दूर करने की सुविधाएं, इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स, वो भी उपलब्ध हैं कि नहीं। ये दो तीन बातें हैं जो कि एक बेऔलाद जोड़े को विशेष ध्यान पे रखनी जाएगी जब भी उसने एक अच्छे केंद्र की चोन करनी है। आज के इस एपिसोड में हम अपने देखने वालों और सुनने वालों को बताएंगे कि बेऔलादपन के कारण क्या हैं और उसको दूर करने की वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं जिसके इस्तेमाल से वो संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।